अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक होंगे? हम भी ठीक है। आज फिश करी बनाएंगे, टेस्टी है, यम्मी है। इंशाल्लाह ट्राई करके देखो आप लोग। इजी प्रोसेस है ये। पहले हमने अच्छा फिश अच्छा धोले को रख ले को है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आता होगा। फिश हमने धोले को रख ले को है। एक जार में कोकोनट, खोपरा, आनियन, प्याज, थोड़ा लहसुन, टमाटो, धनिया, थोड़ा भुना हुआ जीरा मेथी डाल को मिक्सर में डाल को अच्छा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना ले को रख लेंगे। थोड़ी अमली टैमरिंड ले को 50 ग्राम हता वाले को भिगुने रख लेंगे। उसका भी जूस बना लेंगे। गाढ़ा निकाल कर रख लेंगे, पतला नहीं सके, गाढ़ा बना कर रख लेंगे। एक हांडी में हमें पीसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। उसमें थोड़ा साल्ट, टेस्ट साल्ट डालो। हाफ टेबल स्पून हल्दी, आपके हिसाब से रेड चिल्ली डालो, रेड चिल्ली पाउडर, और करेपाक करी लीव्स, दो टमाटो, दो ग्रीन चिल्लीस, दाल को इमली का खट्टा अमली का जूस निकाल लेने खट्टा और निकाल दाल को मिक्स करेंगे, गाढ़ा बना लेंगे। ऐसा निकाल ले को, ऐसा गाढ़ा बना ले को। थोड़ा उसमें वाटर डाल को टेस्ट करेंगे। टेस्ट कर नमक डाल लेंगे। अब स्टोव ऑन कर को स्टोव को रख डालेंगे। वो हाई फ्लेम पो अच्छा उबाल आए तक 5 मिनट्स पकिन देंगे। मसाले की बास सब चल गया था, अच्छी हाई फ्लेम पर आपको पकिन देंगे। अब पक गया है हाई फ्लेम पर, अब उसमें फिश ऐड करेंगे। फिश ऐड करने के बाद भी 10 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर रखेंगे। क्लोज कर को टेन मिनट्स होने के बाद इसका ढक्कन खोल को लो फ्लेम पर 30 मिनट्स तक रखेंगे। ढक्कन क्लोज नहीं करना, ज़रा क्लोज करना है, ज़रा ओपन करना है। 30 मिनट्स तक वैसे ही रखें देंगे। गाढ़ा हो गया तक बीच में एक बार खोल को हांडी पकड़ को हलाएंगे। चमचा नहीं डालना, चमचा डालने से टुकड़े टूट जाएंगे, इसलिए ऐसा हला को। गाढ़ा होने के बाद स्टोव ऑफ कर डालेंगे। देखो यम्मी यम्मी सालना रेडी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाह खैर। दुआ में याद रखो।